देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एट 298 केल्विन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.02 ग्राम ऑफ एन अनडिफाइंड सॉल्यूट एग्जिबिट एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.25 एटीएम, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हम लोगों को मोलर मास सॉल्यूट के निकालने हैं, तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या क्या मेंशन है क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन का क्वेश्चन है एक, और अच्छा सवाल है, जनरली बोर्ड एग्जाम में रहता है। हमारे पास टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, फिर हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 100 ml। सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर होते हैं आपस में, आपको हम लोगों ने पहले भी बता रखा है और आप जानते भी हैं। और सॉल्यूट का गिवन वेट दे रखा है 3.02 ग्राम, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो ये सॉल्यूशन लगा रहा है वो है आपको दे रखा है पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 2. एटीएम में है, 2.25 एटीएम। अब कह रहा व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको एम ए निकालना है, यही है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में, तो पाई बराबर होता है सी आर टी, जहाँ सी जो है कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग बेसिक लेवल से पूरा पूरा एक्सपेंड कर दें, तो गिवन वेट ऑफ ए बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, ऊपर में कितना आ जाता था याद होगा आपको, 1000 मल्टीप्लाइड विथ आर इंटू टी। अब सबकी वैल्यू प्लेस करेंगे और हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2.25, मोलर वेट ए का दे रखा है हम लोगों को 3.02, है ना, 3.02 दे रखा है। मोलर मास ऑफ ए निकालना है, गिवन वेट दे रखा था ऊपर में 1000, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को 100 ml कह लीजिए दे रखा है। आर की वैल्यू क्या यूज़ करें, तो देखिए प्रेशर हमारा जिस यूनिट में होगा आर उसी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। तो आर की वैल्यू देखिए 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये तब लगा ना जब प्रेशर एटीएम में दिया हुआ रहे। आर की वैल्यू 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये तब जब प्रेशर बार में रहेगा। आर की वैल्यू 8.314, ये ऐसा यूनिट में होता है, ये ऐसा यूनिट में होता है। ऐसा यूनिट में इसको कैसे लिखेंगे, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर जो प्रेशर का यूनिट, प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल। पास्कल मीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये तीन यूनिट है हमारे पास। प्रेशर को देख करके हम लोग यूनिट का आइडिया लगाते हैं। तो अभी हमारे पास जो प्रेशर है वो एटीएम में है, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 0.082, 0.082। और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो गई, तो क्वेश्चन में दे रखा है 298, यहाँ से हम लोगों को एमए निकालना है। तो एमए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3.02 मल्टीप्लाइड विथ 1000 मल्टीप्लाइड विथ 0.082 मल्टीप्लाइड विथ 298 डिवाइडेड बाई 2.25, नीचे आ जाएगा ना ये 2.25 इंटू 100। इसको ओवरऑल सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आपको आंसर दे रहा है 289.4। तो मोलर मास ऑफ ए जो आ रहा है 289.4 ग्राम, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, और इसको अपनी कॉपी में लिख भी लेना है, एक बार बना भी लेना है, कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेना है, और उम्मीद है आप सीख पाए होंगे इसको।